आदित्य, कुछ प्रॉब्लम है? आदित्यनाथ, आपने हैंड रेज किया हुआ बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये लेक्चर नंबर 1 है, और एक ही लेक्चर में और लूंगी इसके ऊपर, 2 लेक्चर्स में मैं इसको फिनिश करूंगी, ठीक है? तो एक क्विक रिवीजन भी है, और ग्रेविटेशन चैप्टर में फोर्स कॉन्सेप्ट आता है तो उसका ग्रिप आपको यहीं से मिलेगा। सो आज डेट कितनी है? 20 आपसे पूछा है, 20, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। ओके, डेट हमेशा पता होनी चाहिए। ओके, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, और जैसे कि मैंने पहले बताया, एक लेक्चर और करेंगे इस पे, फटाफट से हम वन शॉट टाइप कंप्लीट करेंगे इसको, टॉपिक कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए, सो आज जो हम कवर करने वाले हैं, फोर्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, इनर्शिया एंड न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, एंड इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आ जाओ। सो देखिए, ये जो चैप्टर है इसका जो वेटेज रहेगा, अगर आप क्लास 11th में बायो लेते हैं तो आपके पास 3-4% आपके फाइनल पेपर में आएगा, नीट का जो एग्जाम होता है, और अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आप मेन जो मेजर एग्जाम देते हैं, जेई एग्जाम होता है, इसमें आपका 5-6%, ठीक है? तो बेसिक सारा यहाँ डिस्कस हो जाता है, बाद में इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो शुरू होते हैं जब आप क्लास 11th में इसको करेंगे। सो चलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला टर्म है लॉज। लॉज से आप क्या समझते हैं? लॉज क्या है? कानून, रूल्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है? रूल है, रूल्स जो हमें मोशन के बारे में बता रहे हैं। मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है? जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो आपके पास मोशन है। तो लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोर्स, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आता है कि मोशन किस वजह से होता है, व्हाट कॉजेस मोशन, तो क्या होता है मोशन का कारण? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आपको मोशन का कारण, यस बोलिए। देखो ये आपके पास पुश और पुल, पुश और पुल, तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, पीपल पुशिंग दी वैगन, तो पुश कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स की वजह से मोशन आ रहा है, राइट? फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वी कैन से दैट द कार इज बीइंग पुल्ड बाय टाउ व्हेन, पुल, अभी बोला एक स्टूडेंट ने, पुश एंड पुल, पुल किया है, एक फोर्स खींच के लगाया है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा? कार का मोशन हो जाएगा। पुल इज ऑल्सो अ फोर्स, पुश इज ऑल्सो अ फोर्स। सो कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स है, ठीक है? सिंपल, पुश और पुल इज फोर्स। अब नेक्स्ट हमारा सवाल ये आता है, कैन फोर्स बी सीन और टेस्टेड? बताओ, आप देख सकते हो, आंसर क्या हमारे पास? नो, नो। ओके, हाउ डू यू नो देयर इज फोर्स? कैसे पता लगेगा फोर्स है? व्हेन इट इज इन मोशन, ओके। सो आप कह रहे हो कि अगर कोई चीज मोशन में आ रही है तो आपको, आप बता सकते हो कि वहाँ फोर्स लग रहा है? यस मैम। ओके, अगर मोशन में और वो रुक जाए तो क्या फोर्स लग रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फोर्स लगा रहे हैं बट मोशन नहीं हो रहा, ये भी पॉसिबल है। यस मैम, भी पॉसिबल है, ठीक है? फोर्स तब भी है। सो कैसे हमें पता लगता है कि फोर्स है? बाय इट्स इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? सबसे पहला जो आपके पास रहेगा, रेस्ट से मोशन में आना, तो आप बता सकते हो कि फोर्स लग रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले फुटबॉल का, तो एक किक आप लगाते हैं, एक फोर्स आप लगा रहे हैं, तो जो रेस्ट पे बॉल रखी है मोशन में आ जाएगी, दिस इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट? क्लियर है चीज सबको? यस मैम। सेकेंड भी अब हम डिस्कस करेंगे, एक बार देख लीजिए इसको। फोर्स क्या है? एक किक है, यहाँ पर इज यूज्ड टू चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। अब सेकेंड इफेक्ट आपके पास आएगा, मोशन टू रेस्ट, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए
कोई बॉल आ रही है, आप क्रिकेट भी सभी खेलते हैं, कोई बॉल आ रही है आप उसके मोशन को रोक देते हैं उसको कैच करके, राइट, तब भी वहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बॉल इज कॉट बाय द फील्डर। तो सेकेंड इफेक्ट क्या है, मोशन से रेस्ट में आना, फोर्स क्या है यहाँ पर, यूज टू चेंज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। थर्ड इफेक्ट क्या है, चेंज इन स्पीड, ये भी पॉसिबल है, गाड़ी में आपने देखा है कि अगर आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, आप यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर पैडल के ऊपर, तो वहां पर स्पीड बढ़ रही है बाय स्टेपिंग ब्रेक्स या फिर एक्सेलरेटर, स्पीड चेंजेस, थर्ड इफेक्ट हो गया, स्पीड बढ़ अगर चेंज हो रही है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, चेंज इन डायरेक्शन, मान लीजिए बॉल आ रही है और आपने बल्ला घुमा के बॉल पे हिट कर दिया तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगी ना वहां पर भी, यस मैम, ओके, सो द प्लेयर हिट्स द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। फिफ्थ आपके पास क्या है, चेंज इन शेप, जैसे कि आपको पता है पॉटर है ये मोल्डिंग द क्ले, जैसे कुछ भी बना रहे हैं, मटका बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, तो वहां पर वो अपने हाथ से उसको बार बार फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पर शेप भी दे रहे हो, शेप को चेंज कर रहे हैं। सो हमारे पास पांच इफेक्ट निकल के आते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर, फर्स्ट रेस्ट टू मोशन में ला रहा है, मोशन टू रेस्ट में ला रहा है, चेंज इन स्पीड कर रहा है, चेंज इन डायरेक्शन कर रहा है, या फिर चेंज इन शेप कर रहा है। क्लियर है ये सबको? यस मैम। तो आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस, देखिए जो दो मेजर फोर्सेस हैं मैम, बैलेंस फोर्स, यस वेरी गुड, बैलेंस एंड नॉन कॉन्टैक्ट एंड अनबैलेंस, या कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, अभी हम देख रहे हैं बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्सेस नाम से आपको समझ में आ रहा है, सेम बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज, ऐसे दो या दो से ज्यादा जितने भी लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्सेज मोशन ला सकते हैं क्या, बताइए? नो मैम, नो मैम, यस मैम, दे डू नॉट चेंज द स्टेट। बेटा मान लो एक बुक है मेरे पास और उसके ऊपर इधर से भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बुक का मोशन नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। मान लो कि वो यूनिफॉर्म मोशन में थी पहले ही, वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ठीक है, उस पे हमने दो फोर्सेस लगा दिए जो कि इक्वल एंड अपोजिट है, तो भी उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। yes, ठीक है, नेक्स्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आप देखेंगे, अगर टेबल पे बुक रखी है तो बुक टेबल पे एक फोर्स लगाती है, ठीक है, और टेबल बुक के ऊपर एक फोर्स लगाता है, द टेबल इज एक्सर्टिंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक एंड द वेट ऑफ द बुक इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। अब देखिए यहाँ पर जो ये बुक रखी है ये कॉन्टेक्ट में होती है टेबल के, तो टेबल जहां कॉन्टेक्ट होता है ना वहां पर आपका जो बुक है वो टेबल पे लगाती है और टेबल जो है बुक पे लगाती है, तो हम बात कर रहे हैं बुक के ऊपर कौन सा लग रहा है, तो टेबल ने बुक पे लगाया ऊपर, और बुक का खुद का वेट होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो mg आप बोलते हैं वो इस पे नीचे लग रहा है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए बुक का मोशन नहीं होता। और इस केस में टेबल के ऊपर भी फोर्स लग रहा होता है। यस बोलिए बेटा। मैम बैलेंस फोर्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं ना, टग ऑफ वॉर। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कांस्टेंट स्पीड ऑफ अ बाइक, तो टग ऑफ वॉर में कोई नहीं जीतने वाला, अनबैलेंस फोर्सेस से ही जीतोगे, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास आता है अनबैलेंस फोर्स, फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, जैसे कि ये सीसो है या टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर में भी अगर मान लीजिए एक तरफ ज्यादा फोर्स लग गया तो उस तरफ मोशन हो जाएगा ना, या ये वाला जो एग्जाम्पल है सीसो, मान लीजिए दो स्टूडेंट है वो सीसो पे खेल रहे हैं, तो दोनों का जो फोर्स है जब एक लगा रहा है तो दूसरे के जो पैर है वो हवा में होता है, वो फोर्स नहीं लगा रहा होता, राइट, तो दोनों का अनबैलेंस फोर्स है, इस वजह से मोशन हो रहा है, ठीक है। सो द चिल्ड्रन आर एक्सर्टिंग अनइक्वल फोर्सेस ऑन सीसॉ। ओके नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्सेस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, ठीक है, अगर स्टेट चेंज हो रही है यानी मान लीजिए उसके पास स्पीड आ गई, ज्यादा हो गई या कम हो गई, दोनों ही केसेस में आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय मिड टाइम। अगर मान लीजिए एक बुक के ऊपर एक तरफ से 10 न्यूटन लगा, एक तरफ से 5 न्यूटन लगा, तो किस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, 10 न्यूटन डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, वो रेस्ट पे थी अब उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय मिड टाइम आप लिखेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम, आई हैव वन डाउट। हां हां बोलिए बेटा।
मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस फोर्स, इफ वी विल ऑन अ क्ले, इफ वी विल अप्लाई बैलेंस फोर्स, सो विल नॉट इट चेंज एनी इफेक्ट? लाइक विल नॉट इट्स शेप विल चेंज? बैलेंस फोर्स ऑन क्ले अगर आप यस बोल रहे मैम, हो. ओके, देखिए क्ले में क्या हो रहा है. इसका फॉर एग्जांपल हम एक पीस ले लेते हैं क्ले का. ठीक है, क्ले में क्या होता है कि एक तो पहली बात वो सॉलिड नहीं है, मतलब परफेक्ट सॉलिड नहीं है उसका. आपने एक तरफ से, अगर मान लो एक तरफ से आपने फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया तो पिचक जाएगी, ऐसे ही होता है. इधर से आप फोर्स लगाओगे, मान लो इधर से भी 5 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन लगाया, तो क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ स्क्वीज होके निकलने लग जाती है ना, है कि नहीं. अब यस रिजिड मैम. बॉडीज होती है, हमारे पास रिजिड बॉडी होती है जिनका शेप एंड साइज जो है वो चेंज नहीं होता, वहां पर अनबैलेंस फोर्सेस मोशन क्रिएट कर रहा है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका शेप चेंज हो रहा है. आपने यहाँ पर बैलेंस फोर्स लगा दिया, ठीक है, इधर से 5 लगा, इधर से 5 लगाया, लेकिन इसका शेप चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करें, तो ये जो क्ले थी आपने मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है, दोनों तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या उसका मोशन हो रहा है? मोशन है, उसका यस शेप चेंज हो रहा है. यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है शेप वाला, लेकिन यहाँ पर मोशन नहीं आ रहा. क्लियर है सबको? यस यहाँ मैम. पर देखिए क्या लिखा है, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. आपने बैलेंस फोर्स लगा दिया, ठीक है, वो रेस्ट पे थी, अभी भी वो रेस्ट पे है, बट शेप का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, मान लीजिए अगर आपने टेबल पे सिर्फ रखा हुआ था और इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स हो गया. एक ही फोर्स आपने लगाया जिसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स नहीं लगाया है, तो यहाँ पर अब आप लगाओगे तो ये क्ले थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी, यहाँ स्टेट चेंज हो गया. क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तो डिफरेंट इफेक्ट्स है और डिपेंड करता है लिक्विड पे है, रिजिड बॉडी पे. रिजिड बॉडी वो होती है जैसे मान लो आपके पास बुक है, बुक के कोई भी दो आप पॉइंट्स लेंगे, उनके बीच में फोर्स लगाने की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा. जितने डिस्टेंस पे दो पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे रहते हैं, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. ठीक है, अगर चेंज हो जाता है तो वो शेप चेंज में आ जाता है. फिर अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इनर्शिया. इनर्शिया से आप क्या समझते हैं बताइए. यस, प्रिंस अब्राहम. यस मैम, इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो मूव नहीं होगी, और अगर मूवमेंट में है तो हम फोर्स लगा के उसको रोक भी सकते हैं. ओके, वेरी गुड. सो इनर्शिया देखिए क्या है, मींस टू रेजिस्ट. ठीक है, वो चेंज नहीं होने देना चाह रहा. क्या नहीं चेंज होने देना चाह रहा? इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट. अगर वो रेस्ट पे है तो मस्त रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर मोशन में चल रही है तो मोशन में ही रहेगी. ये उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है. ठीक है, इसी में देखिए एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर जब भी हम घूमने जाते हैं, अगर गाड़ी के ऊपर हम सामान रखते हैं तो हमें बांधना पड़ता है. क्यों बांधना पड़ता है? अगर मान लिया आपने आप सामान रख दिया, आपने गाड़ी चला दी, तो वो जो सामान है वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, ठीक है, तो वो पीछे गिर जाएगा, राइट. अगर मान लो आपकी गाड़ी चल रही है और उसपे सामान रखकर आपने गाड़ी रोक दी, तो क्या होगा? वो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है, तो वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके गिरेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस सामान के पास एक टेंडेंसी है कि वो अपना स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता. ठीक है, इसी को इनर्शिया कहते हैं. अब इनर्शिया एक और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मास पे. जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है. ठीक है, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया. तो इनर्शिया किसका, जैसे ट्रक है अगर साइकिल है, किसका इनर्शिया ज्यादा है? ट्रक का. ट्रक ज्यादा रेजिस्ट करेगा, वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा ना, उसको चलाना तो और भी मुश्किल है और उसको रोकना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है. ठीक है, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. एक स्टोन है, एक बॉल है. बॉल है प्लास्टिक की और एक स्टोन है, तो दोनों का सेम साइज है. विच नीड्स ग्रेटर फोर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन इट्स स्टेट एंड व्हाई? बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? स्टोन. यस, क्यों स्टोन में हमें ज्यादा लगाना पड़ा? क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है. स्टोन आर ऑफ सेम साइज बट हैव डिफरेंट मासेस, सो स्टोन विल नीड ग्रेटर फोर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज ड्यू टू इट्स ग्रेटर इनर्शिया. क्लियर है? एग्जांपल. यस मैम. चलिए फिर हम चलते हैं एक और एग्जांपल पे. व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर. यस, व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया.
यस, आपने कार्ड के ऊपर तो फ्लिक किया, आपने फोर्स लगा दिया कार्ड के ऊपर, उसकी स्टेट तो आपने चेंज कर दी, बट जो ऊपर कॉइन था वो तो मस्त रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है, तो वो वही का वही नीचे ग्लास में गिर जाएगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम, मैम। यस मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लॉज अगेन रूल्स, रूल्स ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। सो न्यूटन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक यूट्यूब का लिंक दिया है, प्लीज उसको क्लास के बाद जरूर देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। सो न्यूटन स्टडीड आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन, प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, बहुत आसान आसान लॉज है। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस स्टेट को चेंज करने के लिए नहीं लगाया गया। ऐसा ही कुछ हमने इनर्शिया में भी पढ़ा था, अब्राहम ने यही बोला था ना, यस इसको मैम, हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कंपेल मतलब क्या होता है, फोर्स टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, फोर्स्ड टू, उस पर जबरदस्ती करी गई है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक बॉल लिया आपने, बॉल रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई किक कोई फोर्स नहीं लगाते, वो फोर्स भी आपके पास अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए ताकि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। अब नेक्स्ट, दिस लॉ कैन बी सेड इन अनदर वे, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अभी देखिए रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, रेजिस्ट मतलब क्या है, इनर्शिया ही है और कुछ नहीं है, वो उस अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इम्प्लीकेशन क्या है इसका, फर्स्ट लॉ इम्प्लाई करता है दैट एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे लग रहा है तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या आ रहा है वहां पर, एक्सेलरेशन आ रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल करते हैं, मोमेंटम के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर मैं शूट करूं बुलेट को इन द वॉल, क्या वो वॉल में जाके अंदर कहीं रुकेगी, यस और नो? यस मैम, अंदर घुस जाएगी ना। यस चलिए मैम, ठीक है, हमने बुलेट फायर करी, बुलेट विल पेनिट्रेट द वॉल, बुलेट विल पेनिट्रेट। सेकंडली अगर मैं बुलेट को थ्रो करूं वॉल के पास, वॉल की तरफ, तो क्या वो पेनिट्रेट करेगी? नो मैम, नहीं करेगी। नो मैम, क्यों नहीं कर रही नो पेनिट्रेट? मैम, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, एक्सीलरेशन द कम मोमेंटम वेलोसिटी, तो मोमेंटम फायर मैम उसकी स्पीड सबसे भी कम सिंपल हो। ऑब्जर्वेशन, सबसे सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या लग रहा है, एक तो आपने फायर करी और एक आपने थ्रो करा, तो क्या डिफरेंस है फायर करने और थ्रो करने में? मैम फायर में, मैम व्हेन वी फायर इट इट हैज वेलोसिटी। एक जना, ओके एक जना, एक जना मैम, लाइक व्हेन वी फायर इट इट हैज बोथ मास एंड वेलोसिटी, बट ओके व्हेन वी डोंट फायर इट इट हैज मास बट इट डोंट हैव दैट मच हायर वेलोसिटी, बट व्हेन वी फायर इट बाय गन इट हैज हायर वेलोसिटी देखो मास तो दोनों ही देन। केसेस में सेम है, बुलेट का मास सेम है, अब्राहम बताएगा। यस मैम, दोनों केसेस में मास सेम है पर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन उस यस बुलेट से जब दे मार रहे हैं तो ज्यादा एक्सेलरेशन, तो इसलिए वो अंदर जा रही है वो। एक्सेलरेशन मतलब ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है जब फायर कर रहे हो बुलेट की ज्यादा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें क्या है, बुलेट विल नॉट पेनिट्रेट हियर, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, स्पीड ऑफ द बुलेट इज वेरी लेस। तो हमारे पास दो टर्म निकल के आती है, मास तो हमारा सेम था ठीक है, लेकिन फायरिंग के केस में हमारे पास स्पीड ज्यादा थी और बाद में कम थी। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक ट्रक है, एक मान लीजिए आपके पास ट्रक है ठीक है, और एक आपके पास कार है ठीक है, दोनों की स्पीड अब सेम है, किसको रोकना ज्यादा मुश्किल है? ट्रक को, लार्ज यस। तो यानी अगर मास ज्यादा, मास फोर्स अब किस पे डिपेंड कर गया, मास पे, फोर्स आपके पास किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ठीक है, मास जिसका जितना एक्सेलरेशन मास है उसको चलाना भी मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है ठीक है, और एक फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है
स्पीड पे वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलो, डायरेक्शन की बात करें तो हम वेलोसिटी की बात करें। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जैसे कि अगर बुलेट से फायर की तो वेलोसिटी ज्यादा थी तो फोर्स ज्यादा लगा और वो दीवार के अंदर चली गई बुलेट, लेकिन जब आपने सिंपल फेंका तो वेलोसिटी कम थी तो दीवार के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई। तो ये जो दोनों बातें हैं, न्यूटन जी ने सोचा कि फोर्स मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स के बारे में कुछ कैलकुलेशन करी जा सकती है। तो उन्होंने एक नया टर्म निकाल दिया, कौन सा टर्म है वो? मोमेंटम। सेकेंड लॉ। मोमेंटम ये सेकेंड लॉ यहीं से निकल के आता है। मोमेंटम आपके पास क्या हो गया? मोमेंटम मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है मास कम है तो भी मोमेंटम ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है तो भी मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, दोनों केसेस में मोमेंटम, जैसे यहाँ पर ट्रक के पास मोमेंटम था क्योंकि मास अच्छा मोमेंटम था क्योंकि मास ज्यादा था, और जब बुलेट को आप फायर कर रहे हो तब उसके पास भी मोमेंटम ज्यादा है, वो किस वजह से है? स्पीड की वजह से है, ज्यादा वेलोसिटी की वजह से है। क्लियर है सबको? मोमेंटम समझ में आया आज? अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ यहीं से निकल के आता है, बट थोड़ा मोमेंटम का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। मैम सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आएंगे आएंगे उसके ऊपर, पहले मोमेंटम को फटाफट से एक डिस्कशन कर लेते हैं। मोमेंटम क्या है? सिंपली प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में? यूनिट बताओ। मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये कहानी थी मोमेंटम की। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग। एक ट्रेन जा रही है मुंबई से पुणे, इनिशियली ट्रेन के पास जीरो वेलोसिटी थी, बट कुछ फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, वो गेन करेगा स्पीड को, तेजी से चलने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोमेंटम में चेंज हो रहा है। देयर इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। यस मैम। पहले उसका मोमेंटम जीरो था, मास ऑफ द ट्रेन इनटू में वेलोसिटी जीरो, ठीक है, जीरो थी, रुकी हुई थी, बाद में उसका कुछ मोमेंटम आ गया। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम और फोर्स कुछ कनेक्शन हो गया ना, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का कुछ कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जब फोर्स लगाया तो मोमेंटम भी चेंज हुआ। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए चेंज जो है मोमेंटम का फोर्स पे तो डिपेंड कर रहा है, बट किस टाइम पर आप लगाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यही से हमारे पास सेकंड लॉ निकल के आता है। और सेकंड लॉ आपके पास क्या कहेगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टेटमेंट सबको समझ में आई? रेट ऑफ चेंज चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इफ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ता है, बी घटता है तो ए भी घटता है, दिस इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है? फोर्स प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है सेकेंड लॉ का? लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है इनिशियल इनिशियली वो यू से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और इसके ऊपर अब हम फोर्स लगाएंगे, एक कॉन्स्टेंट फोर्स फॉर टाइम टी। ठीक है, कंसिडर द फाइनल वेलोसिटी टू बी वी। आपने एक फोर्स लगाया फॉर टाइम टी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। अब यहाँ पर देखिए लॉ हमें क्या कहता है, पहले देखेंगे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया एमयू। ठीक है, फाइनल एमवी। यस मैम। एमवी चेंज इन मोमेंटम निकाल ले, फाइनल माइनस इनिशियल। यस मैम। वी माइनस एमयू, एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू। ठीक है, अब यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी m into v minus u by में t। अब इसके प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर v माइनस यू बाई टी आपको क्या लग रहा है, क्या होता है? एक्सेलरेशन। पर पहले हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा लेते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी आप हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, के हमने कांस्टेंट रख दिया। और यहाँ पर इफ
आपके पास के की वैल्यू वन है तो आपके पास फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास एक्सेलरेशन के, ठीक है, एक्सेलरेशन वी माइनस बाय में टी। तो यहाँ से इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। यस मैम, हाँ मैम, के पर कोई सा भी कांस्टेंट लग सकते हैं जैसे पी, हाँ, क्यू, कुछ भी, के ए बी सी डी, बट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपने हटाया, एक कांस्टेंट आपने रख दिया, और एसआई सिस्टम में वो के की वैल्यू आपके पास क्या है, वन है, ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन आ गया। अभी ये आपके पास है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अभी जब आप 11th क्लास में जाओगे देखिए क्या चेंज हो जाएगा। आपको ऐसे बोला जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है, बट ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होता बेटा। यहाँ पर देखिए क्या किया आपने, जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हो ना तो आपका मास जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इस वजह से आप बाहर कॉमन ले लेते हैं और v माइनस यू बाई टी को आप ए लिख देते हैं। लेकिन रॉकेट की, जब रॉकेट साइंस की अगर आप बात करें, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट में फ्यूल बर्न होता है, रॉकेट का खुद का मास होता है, सपोज रॉकेट है आपके पास, ठीक है, इसमें फ्यूल बर्न होता है नीचे, आपने देखा होगा अभी चंद्रयान वाला भी देखा होगा कि नीचे गैसेस आती है बहुत सारी, उसकी वजह से रॉकेट को फोर्स मिलता है ऊपर की तरफ। अब जब ये फ्यूल बर्न होता है तो यहाँ पर इसका मास चेंज होता है, क्योंकि यहाँ रॉकेट के अंदर फ्यूल ना बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर में होता है, ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत है तो उसको नेग्लेक्ट कर दे, तो ऊपर जाते हुए रॉकेट का मास बदल रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आपसे कभी कोई भी पूछे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ तब आती है जब मास कॉन्स्टेंट होता है, अदरवाइज आपका करेक्ट फॉर्म क्या है, ये वाला, F is directly proportional to dp by में dt, dp by dt क्या है, change in moment, rate of change of momentum, आप ऐसे भी लिख सकते हो, F is proportional to delta p by में delta t। अच्छा डेल्टा आपने नहीं पढ़ा, सिंपली आप ऐसे बोलेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया तो mu और बाद में mv, अगर उसका मास बदल गया होता तो आपके पास मास कॉमन नहीं आता ना बाहर, तो आप सिंपली इसको ma नहीं लिखते। फिर अब वो एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है वो आप 11th में पढ़ेंगे, बट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, कभी भी कोई पूछे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ, वो एक स्पेशल केस होता है जब मास कांस्टेंट होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। ओके चलिए अब सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे? अभी देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी आपके सिलेबस में आपके लेवल तक क्या है कि मास हमारा जो है वो कांस्टेंट है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही आप पढ़ते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, बट आई एम कनेक्टिंग, जब भी आप 11th में जाओगे ना आपको मेरी बात जरूर याद आएगी, मैम ने बोला था, ठीक है, वो स्पेशल केस है। तो अब यहाँ पर ए क्या है, वी माइनस यू बाय में टी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है ना कि भाई फोर्स नहीं है अगर तो रेस्ट पे, तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एफ टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैंने क्या किया, फोर्स को जीरो कर दिया। जैसे ही आप फोर्स को जीरो करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वी इज इक्वल टू यू आ जाएगा, यानी पहले जितना उसका वेलोसिटी था बाद में भी उसका उतना वेलोसिटी है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो बाद में भी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा अगर फोर्स जीरो है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ निकल जाता है, सबको समझ में आया? यस मैम, यस। किसी को डाउट है? हमने फोर्स को जीरो कैसे किया? फोर्स जीरो है मतलब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं है उसके ऊपर, जैसे मान लो इसी केस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रखा था तो उसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, मान लो बुक वाला केस था हमारे पास, जो टेबल पे एक बुक रखी है, ठीक है, यहाँ पर कौन से फोर्सेस थे, बैलेंस्ड फोर्सेस थे, एक बुक के ऊपर लगता है ड्यू टू ग्रेविटी एम जी, मास ऑफ बुक एम इनटू में जी, जो उसका वेट होता है, एक टेबल बुक पे लगाता है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, दोनों बराबर है यहाँ पे क्योंकि वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब देखिए कोई और इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है जिसकी वजह से वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया, अगर फोर्स जीरो कर दिया आपने तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, यही तो लॉ है आपका। और जो आप अगर बोले कि मैम वो वाला एग्जांपल दो, जब वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जैसे कि मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस है,
अगर मान लो कोई भी गाड़ी है, कोई भी साइकिल है, वो रुकती किस वजह से है? मान लो आपने क्या किया कि फोर्स लगाना, इंजन का फोर्स लगाना बंद कर दिया, धीरे 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 बंद हो जाती है ना, बंद किस वजह से होती है? क्योंकि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसको रोकता है। और अगर मैं बोलूं फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, अब उसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो जिस स्पीड से चल रही होगी उसी स्पीड से चलती रहेगी ना। ओके चलिए, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड मैथमेटिकली फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट अस डिफाइन फोर्स फाइनली। A force is that physical cause which changes or tends to change. अब देखो tends to change क्यों बोल रहा है? Suppose एक बहुत भारी box है, आप उसमें force लगा रहे हो, ठीक है? वो अपना position change करना चाह रहा है, but उस वहां पर इतना ज्यादा friction force होता है कि आपका लगाया गया force की वजह से motion नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वहां पर भी physical force है, लेकिन motion नहीं आ रहा है, but वो force चेंज करना चाह रहा है। आप बहुत ज्यादा 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 फोर्स करते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा जब वो मोशन में आ जाएगा, जो सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको वो ओवरकम कर जाता है। क्लियर है बात सबको? सो फोर्स क्या है? दैट फिजिकल फोर्स व्हिच चेंजेस और व्हिच टेंड्स टू चेंज ईदर द साइज शेप और स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। साइज बदल दे, शेप बदल दे, या स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन बदल दे, ठीक है? ट्राइज टू चेंज हियर। सो फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स की इक्वेशन ये है आपके पास, एम यहाँ पर मास है, ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है, इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। दो सिस्टम है, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या लिखेंगे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन कहलाता है, एंड वन ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस में क्या आएगा? देखो ये तो हो गया ग्राम में, और ये किसमें आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डाइम बोलते हैं। अब एक न्यूटन और डाइम में ना एक कनेक्शन होता है। जैसे ही आप 11th क्लास शुरू करोगे ना, सबसे पहले हम यही डराइव कराते हैं आपको कि इनमें बीच में कितना रिलेशनशिप है। सो फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सीलरेशन है, वन न्यूटन में कितना डाइन होता है वो हमें निकालना है। जैसे वन न्यूटन को अगर हम खोले तो वो क्या है? वन किलोग्राम इंटू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक किलोग्राम को हमने ग्राम में कर दिया तो 1000 आ गया, और एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। सेकेंड को सेकेंड हमने रखा तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या बन गया, 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 डाइन। यानी यहाँ पर हमारे पास 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया? 10^5 डाइन। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं तो अभी फ्री हूँ, मैं आपको और क्वेश्चंस करा सकती हूँ। क्वेश्चंस और करेंगे, 5 क्वेश्चन कर ले। यस मैम। कोई बिजी तो नहीं है? यस मैम। बिजी नहीं है? नो मैम। मैम कैन बी अ लिटिल, कैन वी बी अ लिटिल क्विक? या ओके चलो 3 कर लेते हैं या 2 कर लेते हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चंस करते हैं, 3 आप करके आइएगा और वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम, आ जाओ फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी ये खत्म करें। चलिए 3 क्वेश्चन करेंगे, ये वाला तो बहुत आसान है। अभी बच्चे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स नहीं होते, होते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 m/s on a frictionless horizontal table, the force required to keep the object moving with the same velocity is? Ma'am, zero. Same velocity पे रखना है? Zero. Zero? पक्का? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Explain. Please explain a little bit. क्यों zero बोल रहे हो? Yes, Alisha बताएंगे. मैम क्योंकि उसका मास 2 kg और मैम वेलोसिटी ऑलरेडी उसमें लग रही है, और फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है तो उसमें जब फ्रिक्शन नहीं है तो वो रुकेगी नहीं, तो उसमें हमें उसे तो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, तो हमें कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा उसको वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए। सबको समझ में आया? सो आंसर क्या है आपका? बी, जीरो। अब आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे ना वो आप मुझे देंगे पोल पे, ठीक है? नहीं चलो इससे नेक्स्ट वाले पे पूछेंगे तो इजी है। बताओ, वाटर टैंकर फिल्ड अप टू अ 3/4 ऑफ इट्स हाइट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड
ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वॉटर इन द टैंक वुड यस सार्थक मैम मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोर ऐसे मैम मूव फॉरवर्ड मैम मूव फॉरवर्ड जैसे बोल सकते हो आप फर्स्ट बैकवर्ड ठीक है जैसे ही आप उसको रोकेंगे अब वो जो टैंकर फिल्ड है ठीक है उसमें वाटर है 3/4 हाइट तक वाटर है अब जैसे ही आपने ब्रेक लगाया टैंकर तो रुका लेकिन पानी जो है मोशन में रहना चाहता है तो वो किधर जाएगा वाटर इन द फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब देंगे पोल में ठीक है ये अच्छा न्यूमेरिकल है सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे लेट अस सी कौन सबसे पहले निकालेगा और आपका पोल मैं भी जनरेट कर रही हूं कॉल कीजिए अभी ग्राफ पढ़ के आए हो ना चेक करते हैं कितना याद है तुमको हाँ जी पोल भी जवाब देंगे सभी बच्चे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है और बॉल का मास गिवन है 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन अबव कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल कमॉन कमॉन Show me your skills, numerical skills. मुझे तो बहुत डर लगा करता था न्यूमेरिकल से तुमको भी लगता है लगता है ना yes, ma'am. ठीक है जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं और चीजें इजी हो जाती हैं वो पहली बार करते हैं तो हमें कई बार नहीं आता बट एक बार कर लोगे उस सवाल को तो फिर दोबारा वैसा सवाल आया या उस जैसा आया या वही आया तो आप आराम से कर लोगे ओके जिन जिन बच्चों ने कर लिया हैंड रेज करते जाओ ओके चलिए एवरीवन प्लीज वोट कीजिए इलेवन वोट्स आए हैं क्लास में कितने बच्चे हैं अराउंड 24-5 चलिए वोट कीजिए बेटा कमॉन कमॉन अच्छा सो एक छोटा सा हिंट देगी मंताशा यस मैम यस एक छोटा सा हिंट दे दो जिनका नहीं हो सॉल्व हो रहा मैम कैन आई डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स देन या श्योर जो भी आपको लगता है सो द फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके सो क्या ये हेल्प कर पा रहा है सभी बच्चों को हिंट अच्छा एक्सेलरेशन निकालने का हिंट देगा अब्राहम मैम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों होता है v माइनस u अपॉन t देखा बिल्कुल टीचर बन गया बच्चों सुनो फॉर्मूला होता है ये ठीक है ये टीचर बनेगा वेरी गुड देखिए आपको सबसे पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा एक्सेलरेशन ठीक है और अभी देखो एंगल तो गिवन नहीं है यहाँ पे दो पॉइंट्स जरूर आपको गिवन है राइट एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है ठीक है ये पॉइंट क्या है ये आपके पास रहेगा 080 और ये पॉइंट क्या है आपके पास 80 आपको स्लोप निकालने का दो पॉइंट से क्या तरीका दिखाया था चेंज इन वाई डायरेक्शन बाय में चेंज इन एक्स डायरेक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर दो पॉइंट आपको पता है y2 - y1 y में x2 - x1 अब हमारे पास y डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी
और एक्स डायरेक्शन में क्या है, टाइम। सो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 10 आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ओके देखिए फाइनली आप पहले देखिए, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी इतनी थी, टाइम 8 सेकंड अगर हो गया है तो वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में फाइनल T2 माइनस T1, टाइम 8 माइनस में जीरो, सो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। अब ऑप्शन या तो ए करेक्ट है या सी करेक्ट है। ठीक है अब नेक्स्ट सवाल है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स इस पे है तो फोर्स आपके पास क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला है, एक्सेलरेशन कितना है आपका माइनस 10, और मास कितना है 50 ग्राम को हमने किलोग्राम में कर लिया। ठीक है सो एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, तो कितना आएगा आपके पास, जीरो माइनस 0.5, बट हमारे ऑप्शन में माइनस तो कहीं नहीं दे रखा मैम, फ्रिक्शन फोर्स में डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है सो माइनस साइन ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ है जिधर फोर्स है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए उन्होंने साइन नहीं दे रखा। साइन आपको क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है जिधर भी मोशन है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स होता है ना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव साइन ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, अगर पीछे की तरफ जा रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा होता है, ऐसे है। तो डायरेक्शन साइन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बट हमारे क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो 0.5 न्यूटन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। ठीक है अगर साइन नहीं रखा होता तो माइनस में कर देते, क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। इसमें अभी तीन क्वेश्चन और हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आप तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद समरी में अगर हम ले तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फोर्स के बारे में डिस्कस किया, लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मोमेंटम, इनर्शिया एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मोमेंटम, इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ फोर्स, यस इनर्शिया, इनर्शिया नहीं लिखा मैंने, ओके टाइप्स ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, एंड हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ और ये जो क्वेश्चन बचे हैं ये वाले और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये डिस्कस करेंगे। So, कुछ एंड में आपको होमवर्क गिवन है 3-4 क्वेश्चन, ये आप प्रैक्टिस करके आएंगे बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओ यस, कितनी एनर्जी चाहिए होती है क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो अभी क्या करोगे आप लोग,